प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में भाई दूज कब मनाया जाएगा, द्वितीया तिथि कब रहेगी, 26 तारीख को या फिर 27 तारीख को, तिलक करने का जो सही समय है वो क्या रहेगा, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। प्रिय दर्शकों, भाई दूज का जो पर्व है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का जो पर्व है बहन और भाई के लिए एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन बहन और भाई का एक प्रमुख त्यौहार होता है उसी के बराबर भैया दूज का त्यौहार भी माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है, उनको तिलक करती है और बड़ी श्रद्धा से उनको भोजन करवाती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई भी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट देता है। तो इस प्रकार से ये जो भाई दूज का पर्व है ये बहन और भाई को समर्पित होता है। प्रत्येक बहन और भाई को इस दिन की बेसब्री से इंतजार होता है। तो प्रिय दर्शकों, साल 2022 में भाई दूज का जो पर्व है वो दो दिन मनाया जाएगा, 26 तारीख को भी और 27 तारीख को भी, क्योंकि शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है वो दो दिन रहने वाली है, 26 तारीख को भी रहेगी और 27 तारीख को भी रहेगी। अब 26 तारीख को जो द्वितीया तिथि है वो दोपहर में 2:41 पर शुरू होगी और 27 तारीख को दोपहर में 12:44 तक रहेगी। तो भैया दूज का जो समय है, जो तिथि है, जो दिनांक है उसको आप नोट कर लीजिए, 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर में 2:41 के बाद आप भैया दूज का पर्व मना सकते हैं। और यदि 26 तारीख को इस समय पर आप भैया दूज का पर्व नहीं मना पाते हैं तो फिर 27 तारीख को दोपहर में 12:44 से पहले आप भैया दूज का पर्व मना सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, उचित है और शास्त्र सम्मत है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी भैया दूज पर एक छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।